सरस्वती पूजा को लेकर बाजार सज चुके हैं। झाझा सहित अन्य बाजारों में सरस्वती पूजा को लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। वहीं सरस्वती पूजा कमेटी के सदस्यों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इस बार सरस्वती पूजा काफी धूमधाम से मनाई जाएगी। आपको बता दें कि सरस्वती पूजा और पैक्स चुनाव एक ही दिन हो जाने के कारण कई चौक चौराहों पर पुलिस की तैनाती नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से लगातार भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति बनी हुई है। क्या नाम है? सीताराम कुमार। झाझा बाजार है ना? जी। फल की बिक्री कैसी है इस बार पिछले वर्ष की अपेक्षा? कुछ कम है। कुछ कम है, मतलब कोरोना के कारण सरस्वती पूजा कम बैठाया जा रहा है, इसलिए इस बार बिक्री कम है। हमारे साथ हमारे संवाददाता हर्ष जुड़ चुके हैं। हर्ष, सरस्वती पूजा को लेकर क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं बाजार में? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जमुई जिले में लगभग सारे जो भी विभागीय और प्रशासनिक पदाधिकारी उनके दिशा निर्देश में लगातार पीस कमेटी की बैठक की गई और सरस्वती पूजा को लेकर ये भी निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का वाद विवाद होने पर पूजा कमेटी जो है उनकी जिम्मेवारी होगी। लेकिन फिर भी जो है तो लाइसेंस की प्रक्रिया को इस बार महत्वता दिया गया प्रशासन के द्वारा कि जो लाइसेंसधारी होंगे उन्हीं कमेटियों को बैठाने का आदेश दिया जाएगा, सरस्वती पूजा उन्हीं को करने का आदेश दिया जाएगा। लेकिन बगैर लाइसेंसधारी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कमेटी के सदस्य जिनका लाइसेंस नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी वो हर्षोल्लास के साथ अपनी मूर्ति को बैठा कर वो पूजा अर्चना करें। और आपको बता दें कि आज जम्मू जिले के झाझा सहित अन्य बाजारों में भी लगातार जाम की स्थिति बनी हुई थी और लगभग सारे दुकानदार ये बात कह रहे थे कि कोरोना महामारी के बाद भी इस बार किसी भी प्रकार का कोई कमी देखने को नहीं मिल रहा है। जी तो हर्ष, हम ये मान लें कि पहले जो सरस्वती पूजा जिस तरीके से लोग मनाते आए हैं और इस कोरोना काल में भी कुछ भी अंतर हमें देखने को नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, इस बार भी हर्षोल्लास में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं दिखाई पड़ी है, जैसा कि हमारे पास रुझान आ रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया हर्ष। तो सरस्वती पूजा में कोरोना महामारी के बाद भी हर्षोल्लास की कमी नहीं दिखाई पड़ेगी। अब तक के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही, बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।